वेलकम करती हूँ मैंने चैनल को। तो आज हम क्लास फिफ्थ ईवीएस जो भी एनसीईआरटी बेस्ड जो कि हमारी लेसन है एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो हमने मैंने दूसरे चैनल पर आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको कर दी थी, वो एवरी ड्रॉप जो भी काउंट्स हैं मैंने ये सब कुछ आपको एक्सप्लेनेशन कर दी। जो ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 6 है बेटा, देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 एंड एवरी ड्रॉप काउंट। तो ये वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो चलिए जल्दी जल्दी हम इसका कर देते हैं। ओके, सो पहले क्वेश्चन आपका आता है आपका हाउ मेनी इंटरकनेक्टेड लेक्स वर देयर इन गच्छीसार। सो आपका आंसर मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कितनी इंटर लेक्स थे उस गच्छीसार में। सो वो होगा आपका 9। ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, एनसीईआरटी बुक में आपको दे चुका है। सो जो अलबुरिनी केम फ्रॉम अलबुरिना के भी आपको दिया है, आपको पूरा लेसन पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा। तो उसका आंसर होगा आपका उज़्बेकिस्तान। ओके फाइन, सो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 9 एंड सेकंड का सी उज़्बेकिस्तान। सो उज़्बेकिस्तान ऐसी प्लेस है मतलब वो हमारी कंट्री से रिलेटेड नहीं, जो हमारी कंट्री से भी ऊपर रहेगा। ओके, सो रेज्ड प्लेटफॉर्म्स मेड अराउंड लेक्स वे आल्सो नोन एज। सो जो रेज्ड प्लेटफॉर्म्स जो भी होते हैं ना उन्हें हम क्या कहते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू ओनली, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सो आई विल से यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो ये आपके लिए टेस्ट है। ओके फाइन, जस्ट वेट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वॉज मेड फॉर ट्रैवलर्स। तो कोई थर्स्टी ट्रैवलर्स तो है तो उनके लिए कैसी ये वो मतलब अरेंजमेंट्स मतलब उनके लिए बहुत थर्स्टी ट्रैवलर्स होते हैं, उन्हें बहुत दूर से आना पड़ेगा, जैसे राजस्थान है सो उन्हें बहुत दूर से आना पड़ेगा एंड उसको बहुत प्यास भी लगते होंगे, उनके बॉटल्स में पानी भी ख़त्म हो जाते होंगे, है ना। सो इसका आंसर होगा टेपल्स है मशक। मशक आपको आप सभी को पता है। सो मशक मतलब जो पुराने ज़माने में बहुत बड़ा जैसे बैग होती है उसमें पानी स्टोर करते हैं हम, प्यू मतलब जो बॉटल की तरह होता है पर मटका होता है, ठीक है। तो ये सारा आपका करेक्ट है, तो आप क्लिक करेंगे ऑल ऑफ दिस। ओके, सो भावड़ी इज अनदर नेम ऑफ। सो बावड़ी आपका अनदर नेम होगा स्टेप वेल बेटा। ओके, सो ना पॉन्ड ना लेक ना वेल, ओनली स्टेप वेल इज़ द राइट आंसर। ओके, सो अब हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे, मेरे मतलब ट्रू एंड फॉल्स। सो इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू कलेक्ट वाटर इन कॉपर एंड ब्रास पॉट्स। कॉपर मतलब मतलब या स्टील जैसे नहीं, हमारे पास अभी तो सारे स्टील वाला है, पर कॉपर मतलब जो बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है एंड ब्रास मतलब जो उसे भी कहते हैं। सो दोनों हाथ ये होगा आपका ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू फाइन। सो द सॉइल अराउंड ट्रीज शुड बी कवर्ड विद कंक्रीट एंड सीमेंट। जो ट्रीज की जो बेस होती है उन्हें आप क्या करेंगे जो कंक्रीट जो होती है पूरा पत्थर पत्थर तो उससे कवर करना है या सीमेंट से, नहीं दोनों मिला के एक सेकेंड। सो कॉन्क्रीट एंड सीमेंट से इसका सॉइल को हम कवर करना है, नहीं ना। सो हियर यू हैव टू राइट रॉन्ग, सो दिस इज फॉल्स। ओके ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड 1 and 2। सो लेट अस गो थ्रू थर्ड क्वेश्चन। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज डायरेक्टली पुट ए pump at the childbirth pipeline, so this is also false because we have to not put like that na, yes, so this is false. And next, water is pumped up from underground with the help of electric motors and borewells, ye bhi aapka false hoga. Okay, and next wala aapka ho jayega. Okay, raise in population also causes water shortage, yes it's right. Okay, so just once, so this is also true. And we should not pray the water bill, so this is false. Rainwater should be collected in underground tanks for future use, that is true. Rain is the main source of water on earth, that is also true. Water is precious and should be used wisely, that is also true. So sar means lake, people in alien times used to make a pond for
the future use. So this is all about in today class. In the next class, we are going to do the fill in the blanks. Okay. So please, we have done only MC questions and true and false. That's all. Next class, I will be posting the another video. Fine.